हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरल स्टडी क्लासेस। चलंतु आज आम जनरल साइंस रो 50 प्लस एमसीक्यू करवा पूर्व गोटे जनरल साइंस रो पार्ट वन वीडियो आ सारी जो मैंने भी देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक दिया दिखाई जाइए देखी ने जो मैंने टेलीग्राम जॉइन होना टेलीग्राम लिंक दिखाई जाइए जॉइन होती क्विज प्राक्ट करेंगे। वीडियो टी स्टार्ट करने पूर्व गोटे छोटिया रिक्वेस्ट समस्त रो मैंने भी चैनल को नुआ आसनेल टी सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियो टी लाइक कर आपण सांग सहित निहाती सेयार करूँ ताल जाए आम यूट्यूब फैमिलीटा बढ़ो। चलो वीडियो टी स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन है हू प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किए देते अर्नेस्ट मेयर देते ना आर एच व्हिटकर देते ना एम डब्ल्यू बेजरेनिक देते ना डीआई इवनोस्की देते किए देते ना ऑप्शन बी हे यार सटिक आंसर आर एच व्हिटकर देते फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रे कौन कौन रही प्रथम रही फास्ट रही मोनेरा मोनेरा तापर सेकेंड रही प्रोटिस्टा तापर फांगी रही फांगी पर रही प्लांटी प्लांटी पर रही एनिमोलिया पांचटा रही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रे मोनेरा प्लांटी फंगी मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमोलिया पांचटा को मन रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। स्टडी ऑफ सेल को कौन कहा जाए साइटोलॉजी कहा जाए ऑप्शन ए ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी ऑप्शन सी साइकोलॉजी ऑप्शन ऑप्शन बी फिजियोलॉजी कौन कहा जाए स्टडी ऑफ सेल को ना साइटोलॉजी बोली कहा जाए ऑप्शन ए है यार सटिक आंसर। साइटोलॉजी विषय टिके जानिबा फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या कहा जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी ना रॉबर्ट हुक को कहा जाए रॉबर्ट हुक को कहा जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी। हमें वीडियो टे इन डिटेल पढ़वा सब चलतु। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ऑयल ऑफ विट्रोल इज द कॉमन नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑयल ऑफ विट्रोल क्या कहा जाए नाइट्रिक एसिड को कहा जाए ना कार्बोनिक एसिड को कहा जाए ना एसिटिक एसिड ना सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहा जाए ऑयल ऑफ विट्रोल ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाए सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ऑप्शन डी है वहाँ सटिक आंसर ऑप्शन डी ऑयल ऑफ विट्रोल कहले सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड यूज टू डिजॉल्व गोल्ड कौ एसिडा पकड़े सुना डिजॉल्व हो जाए मिल जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वारेजिया नाइट्रिक एसिड ना फॉस्फोरिक एसिड इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही ट्रिपलसीस आंसर कौन हम ना एक्वारेजिया ऑप्शन बी हम सटिक आंसर। एक्वारेजिया क्या नहीं गठित होता है ना नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकिन गठित होता है नाइट्रिक एसिड रो फॉर्मूला कौन ना एच एनओ थ्री एच एनओ थ्री हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहला एच सी एल आगे पचारे कते रेसीओ रे मिशि था वन इज टू वन इज टू थ्री रेसीओ रे मिशि था आउ कौन कहा जाए एक्वारेजिया को ना रॉयल एसिड बोली कहा जाए रॉयल एसिड कहा जाए रॉयल एसिड मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग गोटे सेल रो सुसाइडल मृत कोठरी क्या कहा जाए ऑप्शन ए लाइसोजम को कहा जाए ऑप्शन बी राइबोजम को कहा जाए ना डिक्टोजम को कहा जाए ना फागोजम को कहा जाए लाइसोजम को कहा जाए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किए देते किए डिस्कवर करते मन रखिए डी ड्यूब। फ्रेंड्स वीडियो
ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମିସ୍ କରିବେନି, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ କରିବେ, କେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ସାଇନ୍ସର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସେଲ୍, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସବୁ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ରିମ୍ ଗେଟ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଚର୍ନ। ଆମେ କ୍ଷୀରରୁ କ୍ରିମ୍ ବାହାର କରିଥାଉ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ବାହାର କରିଥାଉ? ଯେଉଁ କ୍ଷୀରକୁ ଚର୍ନ କଲେ ଘୁରେଇଲେ ଆମେ କ୍ରିମ୍ ବାହାରେ, ସେଇଟା କେଉଁ ଉପାୟରେ? ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ, ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ, ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ, ନା ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୀରରୁ କ୍ରିମ୍ ବାହାରିଥାଏ, ମିଲ୍କରୁ କ୍ରିମ୍ ବାହାରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ହିଟିଂ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ କେଉଁଠୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ରୁ, ନା ଜିପ୍ସମ୍ରୁ, ନା ଜିଙ୍କ୍ରୁ, ନା ଲେଡ଼୍ରୁ? ଆନ୍ସର ହେବ ଜିପ୍ସମ୍ରୁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ପାଇଥାଉ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ସଂକେତ କ'ଣ? ନା CaSO4 ଫର୍ ହାଫ୍ H2O। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପୁଣି ଜିପ୍ସମ୍ର ସଂକେତ କ'ଣ? ନା ଜିପ୍ସମ୍ର ସଂକେତ ପଚାରିଲେ ଲେଖିବେ CaSO4 2H2O, 2H2O ମନେ ରଖିବେ, CaSO4 2H2O। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସେମି ହାଇଡ୍ରେଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିବା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର। କ୍ରିମ୍ ଗେଟ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ୍ ଫୋର୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ୍ ଫୋର୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କଙ୍ଗାରୁ ହେଜ୍ ଏନ୍ ଆବ୍ଡୋମିନାଲ୍ ପଚ୍ ନନେଜ୍। କଙ୍ଗାରୁ ଯେଉଁ ଆଗପଟେ ଗୋଟେ ଥଳି ଥାଏ, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଙ୍ଗାରୁର ଗୋଟେ ଆଗପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥଳି ଥାଏ ଯେଉଁଠି ତା ଛୁଆକୁ ରଖିଥାଏ, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା କୁହାଯାଏ, ନା ଗୁଟୁରାଲ୍ ପୋଚ୍ କୁହାଯାଏ, ନା ମାର୍ସୁପିଆଲ୍ କୁହାଯାଏ, ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ? ନା ମାର୍ସୁପିଆଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦ ଏନର୍ଜି ଏମିଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ସନ୍ରୁ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ବାହାରିଥାଏ ସେଇଟା କେଉଁ ରିଏକ୍ସନ୍ରେ ବାହାରିଥାଏ? କେମିକାଲ୍ ରିଏକ୍ସନ୍, ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫିଜନ୍, ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍, ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦାଜ୍? ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏନର୍ଜି ବାହାରିଥାଏ ସନ୍ରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ବିନ୍ ସେପ୍ଟ ସେଲ୍, ବିନ୍ ସେପ୍ଟ ସେଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିନ୍ ସେପ୍ଟ ସେଲ୍ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମେଜୋଫିଲ୍ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ, ନା ଜାଇଲେମ୍ କୁହାଯାଏ, ନା ଫ୍ଲୋଏମ୍, ନା ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ? ନା ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିନ୍ ସେପ୍ର ଯେଉଁ ଥାଏ, ବିନ୍ ସେପ୍ର ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ମ୍ୟୁଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଏସିଡ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମ୍ୟୁଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ନା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ନା କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ମ୍ୟୁଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମ୍ୟୁରିଆଟିକ୍, ମ୍ୟୁରିଆଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର RI ଏକ୍ଜାମ୍ କିମ୍ବା ଅଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସୁ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍, ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସୁ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇଥାଉ? ଲିଭର୍ରେ ପାଇଥାଉ, ନା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା, ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍? ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସୁ, ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସୁ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟେ ଥାଏ ଜାଇଲେମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଫ୍ଲୋଏମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଫ୍ଲୋଏମ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ
चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलं ना। नेक्स्ट को जीवा, नेक्स्ट ला व्हेयर डज अमोबा डाइजेस्टेड फूड, अमोबा कोठरे ता फूड डाइजेस्ट करता है, हजम कोठी करता है, अमोबा पेशुड पड़ियार करता है, न्यूक्लियस रे करता है ना, फूड वेक्युलो करता है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे करता है, कोठी करता है अमोबा लाइटा तर न्यूक्लियस गोटे फूड वैक्यूल अच्छे फूड वैक्यूल से कौन करे ना डाइजेस्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ग्रुप ऑफ टिश्यू डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, जो ग्रुप ऑफ टिश्यू था गोटे पर्टिकुलर जॉब को सेटा कौन कहा जाए, ऑर्गन कहा जाए ना सिस्टम ना ऑर्गन ना इंडिविजुअल कौन कहा जाए, सेटा को ऑर्गन बोली कहा जाए। हम जानिछे जे सेल रु तैयारी है कौन बहुत गुडा सेल मिसिक ना टिश्यू है छी, टिश्यू टिश्यू बहुत गुड़ा टिश्यू मिसकर कौन है ना ऑर्गन तैयारी है छी मन रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया, यार बैक्टीरिया कौन यूकैरियोटिक ना प्रोकैरियोट्स ना नॉन लिविंग ना नॉन ऑफ दिस मन रखे, बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन बी हो यार सटीक आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एसिड इज यूज फॉर मेकिंग एस्पिरिन, एस्पिरिन बनवा पाई को मेडिसिन ए को एसिड को यूज करता है, एस्पिरिन एस्टिक एसिड ना सैलिसिलिक एसिड ना सकनिक एसिड ना ऑक्जैलिक एसिड, एस्पिरिन को बनवा पाई हमें सैलिसिलिक एसिड को व्यवहार करता है, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर मन रखे। एस्पिरिन कौन गोटे एस्पिरिन ना पेन क्लियर हिसाब से गोटे काम करे, एस्पिरिन पेन क्लियर हिसाब से एस्पिरिन। एस्पिरिन रो केमिकल नेम कौन ना एसिटाइल मन रखे, एसिटाइल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन रो केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द रेड ब्लड सेल आर रिप्रोड्यूस बाय द, हमर जो रेड ब्लड सेल सेटा कोठी प्रस्तुत होता है कोठी उत्पन्न होता है, लिवर रु ना हार्मोन रु ना बोन मेरो ना हार्ट रु कोठी होता है ना बोन मेरो रु होता है, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर बोन मेरो रु हम कोन प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल आर बी आर बी सी आ गोटे रहा कौन व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल जहाँ को कह जाए डब्ल्यू बी सी मन रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट सेल को थरे तैयारी होता है सेलुलोज रे ग्लूकोज रे फ्रुक्टोज ना सुक्रोज को थरे होता है ना सेलुलोज रे तैयारी होता है कौन हमर प्लांट रो सेल वॉलटा, सेलुलोज कहा को कहा जाए ना पॉलीसाकराइड ऑफ ग्लूकोज को मन रखिए, पॉलीसाकराइड ऑफ ग्लूकोज को सेलुलोज बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हीमोग्लोबिन कंटेन द मेटल कौन को मेटल टाकु हीमोग्लोबिन रे आम पाइथ को मेटाल पाइथ हिमोग्लोबिन रे, हिमोग्लोबिन को मेटाल कॉपर पाइथ ना मोलिब्डेनियम पाइथ ना आयरन ना मैग्नीशियम कौन पाइथ ना मैग्नीशियम पाइथ आम हिमोग्लोबिन रे, क्वेश्चन टी इंपोर्टेंट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए स्ट्रक्चर वाज फास्ट डिस्क्राइब्ड बाय, डीएनए रो जो स्ट्रक्चर टा किए डिस्क्राइब करथिले पैश्चर ना रॉबर्ट कोच ना वाटसन एंड क्रिक ना कार्लोस लिनियस किए करथिले ना वाटसन एंड क्रिक करथिले, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर वाटसन और क्रिक करथिले कार डिस्कवर ना डीएनए, डीएनए रो फुल फॉर्म कोन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनआर पचारे
खाली राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, वाशिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड एज। वाशिंग सोडा रो केमिकल ना कौन? वाशिंग सोडा रो केमिकल नाम कौन? सोडियम कार्बोनेट ना सोडियम क्लोराइड ना सोडियम हाइड्रोक्साइड ना पोटासियम नाइट्रेट। कौन हो? सोडियम कार्बोनेट हो सठिक आंसर, ऑप्शन एस मन रखिए सोडियम कार्बोनेट। तार केमिकल ना कौन? ना Na2 CO3 Na2 CO3 10H2O 10H2O सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, आ गोटे मन रखिए सोडियम कार्बोनेट को प्रकार ना अल्कालाइन इन नेचर, अल्कालाइन इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम? क्विक लाइम रो केमिकल नेम कौन? कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड ना कैल्शियम सल्फेट। कौन हो? ना कैल्शियम ऑक्साइड हो आर सटीक आंसर मन रखिए। क्विक लाइम रो केमिकल नेम होला कैल्शियम ऑक्साइड, आर केमिकल फॉर्मूला कौन? ना CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, बाइल जुइस इज सिक्रेटेड बाय। बाइल जुइस कोठु सिक्रेट होता है? पानक्रियाज रु होता है ना स्टोमाच रु होता है ना इंटेस्टाइन ना गॉल ब्लाडर रु होता है? कोठु होता है? ना गॉल ब्लाडर रु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच मेटल इज यूज टू गाल्वानाइज आयरन। को मेटल टाक हम यूज करथाय गाल्वानाइज ऑफ आयरन, आयरन रो गाल्वानाइज पे को मेटल टाक यूज करे? कॉपर ना जिंक ना टिन ना निकेल। को मेटल टाक यूज करे थाय? ना जिंक को गाल्वानाइजेशन पे यूज करे थाय। कौन हुए? ना आयरन रे गोटे प्रोटेक्टिंग लेयर तैयार करा हुए कहते ना जिंक द्वारा, सेटा कह जाए गाल्वानाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटासिड? एंटासिड रो नेचर कौन? एसिडिक ना बेसिक ना न्यूट्रल ना हाईली एसिडिक। कौन? एंटासिड है बेसिक। बेसिक मन रखिए मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, रेबीज इज ए, रेबीज गोटे कौन? हेलमेंथिक डिजीज ना वायरल डिजीज ना बैक्टीरियल डिजीज ना प्रोटोजोन डिजीज। को डिजीज? रेबीज गोटे वायरल डिजीज। कौथिरु होइथाय? ना गोटे इनफेक्टेड डॉग जे कि रेबीज रोग रे पीड़ित थिबो से यदि काहाकु कामुड़ला ताहले हमको रेबीज रोग होइथाय। को वायरस द्वारा होइथाय? ना मने रखिबे लाइसा वायरस द्वारा होइथाय, लाइसा वायरस द्वारा होइथाय, वायरस द्वारा होइथाय। एटा कोडी प्रेजेंट थाय? ना सलाइवा रे लाळ रे प्रेजेंट थाय सलाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, एसिड टर्न्स डैश लिटमस टू डैश। रेड को ब्लू करी थाय एसिड ना ग्रीन को येलो ना येलो को ग्रीन ना ब्लू को रेड करी थाय? कौन करी थाय? ब्लू को रेड करी थाय। गोटे शॉर्टकट रही आप एसिड ए बी आर एसिड कौन करता है? ना ब्लू लिटमस को रेड करता है।
ଆଉ ବେସିକ ବେସିକ ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍କୁ ବ୍ଲୁ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ABR ABR ଏସିଡ୍ ଟର୍ନସ୍ ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍କୁ ଟୁ ରେଡ୍ ଏବଂ ବେସିକ ଟର୍ନସ୍ ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍କୁ ବ୍ଲୁ। ମନେ ରଖିବେ ABR ଏବଂ BRB। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापापी को इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, एमीटर को यूज करता हूँ ना मानोमीटर को ना गाल्वानोमीटर को ना बारोमीटर को। मन रखिए ना बारोमीटर को आम यूज करता हूँ कौन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापापी आम बारोमीटर को यूज करता है। ऑप्शन डी है यार सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन रो एसआई यूनिट कौन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड ना सेकंड पर मीटर ना सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कौन हो ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कौन ना वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट को जीवा। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर गैस प्रेशर। को इंस्ट्रूमेंट को यूज करा जाए था गैस रो प्रेशर मापिया पाए एमीटर मानोमीटर गैल्वेनोमीटर ना बारोमीटर। कोड़ा को यूज करा हुआ मीटर को यूज करा हुआ ना मानोमीटर ना गाल्वानोमीटर ना बारोमीटर। मन रखिए मानोमीटर को यूज करा जाए गैस रो प्रेशर माप। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी रो मृत कोठरी कोडा वा कब्रिस्तान कोडा लिवर ना स्प्लीन ना ब्रेन ना हार्ट। कोडा हो ना स्प्लीन को आरबीआर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोली कहा जाए। आरबीसी रो प्रॉब्लम होला रेड ब्लड सेल बा कॉर्पसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। टार्टारिक एसिड इज नॉट फाउंड इन। आम कौटी ए भितर कौटी टार्टारिक एसिड पाइन थाउ कौटी पाइन थाउ टर्माइन रे मिली थाए। ऑप्शन बी ग्रेप्स अनराइप मैंगो स्पिनच। कौटी पाइन थाउ स्पिनच रे पाइन थाउ पालंग रे पाई तेंतुल पाई ग्रेप्स रे अंगूर पाई और मैंगो रे पाई अनराइप कंचा मैंगो जोटा स्पिनाच रे पाई पाउन स्पिनाच रे आम कौन पाऊ पालंग शाग रे ना वेरी इंपोर्टेंट ऑक्जालिक एसिड पाई था। कौन पाई था ना ऑक्जालिक एसिड पाई मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड रो सिंबल कौन AU ना AG ना FE ना SC कौन ना AU आरम। गोल्ड रो सिंबल होला ऑप्शन ए हबो सटीक आंसर आरम FE फेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। AG होला सिल्वर। व्हाट इज ब्राइन सॉल्ट ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन कौन ब्राइन सॉल्यूशन कौन एक्सेस सॉल्ट प्लस वाटर ना सिल्वर ना एक्सेस इथेनॉल प्लस वाटर ना एक्सेस स्टार्च प्लस वाटर ना एक्सेस सॉल्ट आ वाटर को हमें ब्राइन सॉल्यूशन बोली कही था। ऑप्शन ए है वो सटीक आंसर बा सॉल्ट वाटर भी कहा जाए। NaCl एंड H2O मैं रखे ला प्राइम सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट रो ना कौन वाटर ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर। कौन ना ब्लीचिंग पाउडर हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर ऑप्शन बी। तार केमिकल फॉर्मूला कौन ना CaO
CL2 মনে রাখবে CaO CL2 ব্লিচিং পাউডার কেমিক্যাল ফর্মুলা নেক্সট কোশ্চেন কো যিবা নেক্সট কোশ্চেন হলা হু ডিফাইন্ড ল অফ গ্রাভিটেশন গ্রাভিটেশন গ্রাভিটেশনাল ল কে দেইতিলে আমাকু গ্রাভিটেশনাল ল কে দেইতিলে নিউটন দেইতিলে না আর্কিমিডিস গ্যালিলিও ফ্যারাডে কে দেইতিলে না নিউটন ল নিউটন দেইতিলে নেক্সট কোশ্চেন কো যিবা आप जिते भी क्वेश्चन देखुं सब गुड़ा प्रीवियस ईयर और ट्रिपल एस एस कि डबल एस एस कि एस एस सी सब क्वेश्चन पढ़ी आज से हम पिक करगुड़ा हम पिक कर सब ताले क्वेश्चन गुड़ा सब आप इम्पोर्टाट ही रोज नेक्स्ट कौन कौन अच्छे ना किडनी स्टोन जो रही कौथे तैयारी हुए किडनी जो स्टोन हुए आम कौथे तैयारी हुए कैल्शियम ऑक्सैलेट ना सोडियम क्लोराइड ना मैग्नीशियम नाइट्रेट ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट कौथे तैयारी हुए कैल्शियम ऑक्सैलेट मन रखे किडनी स्टोन फॉर्मेशन होता है कंपोज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बी स्टिंग कंटेंट महुमाछी रो जो स्टिंग थाए सेटा सेतर को एसिड ता थाए एन एसिडिक लिक्विड थाए ए सॉल्ट सॉल्यूशन थाए ना अल्कालाइन लिक्विड थाए ना कोरोसिव लिक्विड थाए कौन थाए ना एसिडिक लिक्विड हमें पाई थाउ बी स्टिंग रे पाई थाउ एंट रे पाई थाउ को एसिड टा पाई थाउ हमें ना फॉर्मिक एसिड पाई थाउ मन रखिबे फॉर्मिक एसिड पाई थाउ फॉर्मिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन ए वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप वी कन्वर्ट आम गोटे इलेक्ट्रिक पंप रे को एनर्जी को कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी कौन हुए ना इलेक्ट्रिक पंप रे आम इलेक्ट्रिक करंट पास करू पानीटा ऊपर को उठे से कौन कह जाए ना काइनेटिक एनर्जी हुए इलेक्ट्रिक एनर्जी रू कन्वर्ट हुए कौन काइनेटिक एनर्जी ताले ऑप्शन डी हे यार सठिक आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज गार्लिक एसिड ना पिक्रिक एसिड ना म्यूरियाटिक एसिड ना एसिड क्लोरिक एसिड कौन बोली कही था ना म्यूरियाटिक एसिड बोली कही था क्या को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आ कौन कही था ना एसिडियम सॉल्ट मध्य कह जाए सेल सालिस को आजे एसिडियम सालिस एसिडियम एसिडियम सालिस एसिडियम सालिस मन रखिए आ कौन जाने आ कौन कह जाए स्प्रिट ऑफ सॉल्ट मध्य कह जाए स्प्रिट ऑफ सॉल्ट स्प्रिट ऑफ सॉल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपंकर अ केमिकल नेम ऑफ विनेगर विनेगर केमिकल नेम कौन एसिटिक एसिड ना साइट्रिक एसिड ना लैक्टिक एसिड फॉर्मिक एसिड कौन ना एसिटिक एसिड हम यार सटिक आंसर विनेगर केमिकल नेम होला एसिटिक एसिड तार आ कौन कह जाए ना एसिटिक एसिड को इथानोइक एसिड मध्ये कह जाए मन रखिए इथानोइक एसिड मध्य कह जाए केमिकल फॉर्मूला कौन तार ना सी एच थ्री सी डबल ओ एच मन रखिए यदि एसिटिक एसिड रो फॉर्मूला पचार दिए सी एच थ्री सी डबल ओ एच कौन एसिडिक विनेगर कौन पे यूज कर दे ना प्रिजर्वेटिव हिसाब से यूज कर जाए प्रिजर्वेटिव हिसाब से यूज कर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा स्पिनाच कंटेंट स्पिनाच रे कौन अच्छी पालंग रे कौन अच्छी पालंग साग रे लैक्टिक एसिड अच्छी ना ऑक्जालिक एसिड ना कार्बोनिक एसिड ना फॉर्मिक एसिड कौन पाइथल स्पिनाच रे ना ऑक्जालिक एसिड बोली पाइथा हमें ऑक्जालिक एसिड
ଅକ୍ଜେଲେସରେ କୋଉ ଭିଟାମିନ ପାଇଥାଉ? ଭିଟାମିନ ଏ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଭିଟାମିନ ଏ ପାଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଇନ୍ ଏସି ସର୍କିଟ ଏସି ମିଟର ମେଜର, ଏସି ମିଟର କ'ଣ, ଗୋଟେ ଏସି ସର୍କିଟରେ ଏସି ମିଟର କ'ଣ ମେଜର କରିଥାଏ? ମିନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମେଜର କରିଥାଏ, ନା ଆରଏମଏସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ନା ପିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ନା ରୁଟ୍ ମିନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ଆରଏମଏସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ମନେ ରଖିବା ଆରଏମଏସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମେଜର କରିଥାଏ। ଆରଏମଏସ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନା ରୁଟ ରୁଟ୍ ମିନ୍ ସ୍କୋୟାର ଭ୍ୟାଲୁ, ରୁଟ୍ ମିନ୍ ସ୍କୋୟାର ଭ୍ୟାଲୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ସର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ କୋକାକୋଲା ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, କୋକାକୋଲାର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ, ନା ଫସଫରିକ୍ ଏସିଡ୍, ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ନା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍, କେଉଁ ପାଇଁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସେ? ନା ଫସଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ କୋକାକୋଲାରେ ସର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭରିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଇଟା ରହିଥାଏ, ଫ୍ଲେଭର ଦିଏ, ଫ୍ଲେଭରିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍, ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ ର ରେଞ୍ଜ କ'ଣ? 0 ରୁ 7, ନା 0 8 ରୁ 14, ନା 0 ରୁ 14, ନା 9 ବିଜ୍, କ'ଣ? ନା 0 ରୁ 14। ମନେ ରଖିବେ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଚାରେ କ'ଣ ହବ? ନା ସୋରେନସନ୍, ଏଚ୍ ଏଚ୍ ସୋରେନସନ୍, ସୋରେନସନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ୍, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ? ଦ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଅର୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭିଂ ବଡି, ନା ଦ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭିଂ ବଡି, ନା ଦ ପ୍ରେସର ଅଫ୍ ଦ ମୁଭିଂ ବଡି, ନା ବୋଥ୍ ମାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଦ ମୁଭିଂ ବଡି, କ'ଣ ହବ? କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ୍ ବୋଥ୍ ମାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଦ ମୁଭିଂ ବଡି, ମାସ୍ ଆଉ ଭେଲୋସିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରାଯାଏ। କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା, ନା କେଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ମନେ ରଖିବେ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ହେଲା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ କଲ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫଙ୍ଗି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫଙ୍ଗିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ, ନା ପାରିଷ୍ଟୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ, ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜି, ନା ଇକୋଲୋଜି, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ସିମ୍ପଲ, ନା ମାଇକୋଲୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦ ଫଙ୍ଗିକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଇନ୍ ଦ ୟାର୍ଥ ଦ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଡି ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଟ୍ ଦ ୟାର୍ଥରେ ବଡିର ୱେଟ୍ କେଉଁଠି ବେଶୀ ହେଇଥାଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଥାଏ? ନର୍ଥ ପୋଲରେ, ସାଉଥ ପୋଲରେ, ନା ଇକ୍ୱେଟରରେ, ନା ସର୍ଫେସରେ? ମନେ ରଖିବେ ନର୍ଥ ପୋଲରେ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ବାମ୍ବୋ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ, ବାମ୍ବୋ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହାର୍ବ, ନା ଟ୍ରି, ନା ସର୍ବ, ନା ଗ୍ରାସ, କେଉଁ ପ୍ରକାର? ନା ଗୋଟେ ବାମ୍ବୋ ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରାସ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଲା, ଫାର୍ନସ ବିଲଂ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫାର୍ନସ କେଉଁ ଜାତିର ପ୍ଲାଣ୍ଟ? ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ନା ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ, ନା ଥାଲୋଫାଇଟା, ନା ପ୍ୟାଟ୍ରିଡୋଫାଇଟା, କ'ଣ? ନା ପ୍ୟାଟ୍ରିଡୋଫାଇଟା ହେଲା ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, କିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଡ଼ିନୋଲୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ ଆଡ଼ିନୋଲୋଜି। ଏଞ୍ଜିଓଲୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ
एंजियोलॉजी का कहा जाए ना स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो एंड लिम्फाटिक सिस्टम को कहा जाए एंजियोलॉजी। सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रही गुड़ा। आर्थ्रोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ जॉइंट्स को कहा जाए आर्थ्रोलॉजी मन रखिए। बायोलॉजी का कहा जाए ना स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाए बायोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ द यूनिवर्स ना स्टडी ऑफ द यूनिवर्स कहा जाए कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ द स्कूल को कौन कहा जाए ना कार्डियोलॉजी मन रखिए। मस्तिष्क स्टडी को कहा जाए कार्डियोलॉजी। इकोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट को हम इकोलॉजी बोली कही था। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहा जाए स्टडी ऑफ डक्टाइल डक्टलेस ग्लैंड को कहा जाए एंडोक्राइनोलॉजी। एंटीमोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ इनसेक्ट परीक्षार बहुत थर पचार एंटीमोलॉजी। स्टडी ऑफ इनसेक्ट को कौन कहा जाए ना एंटीमोलॉजी कहा जाए। जियोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट को स्टडी ऑफ द अर्थ क्रस्ट कौन कहा जाए जियोलॉजी। हेमाटोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड रो स्टडी को हमें कौन कहता हूं ना हेमाटोलॉजी। हेपाटोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ द लिवर। लिवर स्टडी को हेपाटोलॉजी कहा जाए। हार्पेटोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ रेप्टाइल आउ आम्फीबियन विषय जो पढ़ी था सेटा को हार्पेटोलॉजी कहा जाए। एटा भी इम्पोर्टेंट रही है। एटा भी रही है एटा भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट ला इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कौन इक्थियोलॉजी ला स्टडी ऑफ फिश को हम इक्थियोलॉजी बोले कही था। स्टडी ऑफ वेदर को कौन कहा जाए ना मेटेरोलॉजी कहा जाए। स्टडी ऑफ मसल्स को कौन कहा जाए ना मायोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज न्योनाटोलॉजी इम्पोर्टेंट रहा क्वेश्चन एटा। तार स्टडी ऑफ किडनी किडनी स्टडी कौन कहा जाए नेफ्रोलॉजी बोली कहा जाए। स्टडी ऑफ टीथ को कौन कहा जाए ना ओडोंटोलॉजी बोली कहा जाए। नेक्स्ट कला नेक्स्ट ला आप पाथोलॉजी। पाथोलॉजी कौन ना स्टडी ऑफ डिजीज। डिजीज रो स्टडी को पाथोलॉजी बोली कहा जाए। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को कौन कहा जाए सेस्मोलॉजी बोली कही था। स्टडी ऑफ पॉइजन को कौन कहा जाए ना टॉक्सिकोलॉजी बोली कहा जाए। स्टडी ऑफ यूरिन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट को कौन कहा जाए ना यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी मन रखिए एवं स्टडी ऑफ वुड को जाइलोलॉजी कहे एवं स्टडी ऑफ एनिमल को कौन कहा जाए ना जूलॉजी। फ्रेंड्स आज एति यदि भिडियोटी भल लगी आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं आपण सांग सहित सेयार करूँ भिडियो को लाइक कर दिंतु। थैंक यू। जय जगन्नाथ।